गणेश राय की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। चिंता संतानंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। शश्वत्प्रिया सितापांग ध्यानावस्थित चेतसा प्राप्त कन्नज रूपाय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति के इस असीम शुद्ध एवं पावन प्रवाह में इस गोपी गीत के अलौकिक गान से हम प्रवाहमान हो रहे हैं। जो नदी, जो भावमय नदी सीधे सागर रूपी नंद नंदन में जाकर मिलती है, उसी भावमयी नदी में उन गोपिकाओं के साथ गोपिका भाव रखते हुए हम भी डूब रहे हैं, रस का आनंद ले रहे हैं। रस पान करते हुए भगवत कृपा रूपी समुद्र में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तानाविदन मई अनुषंग बद्ध दिया। ये गोपिकाएं प्रभु कह रहे हैं कि ये गोपिकाएं मेरे अंदर बद्ध दिया है, अर्थात अपने देह प्राण अंतकरण आत्मा सहित सर्वस्व को इन्होंने मेरा मान लिया है, प्रभु का मान लिया है। जैसे जव का दाना होता है, उसको भूंज दिया जावे तो उसमें फिर लौकिक अर्थात फिर वह उत्पन्न नहीं होता है, इसी प्रकार इन गोपिकाओं का भूंजन दग्ध होना प्रेम के माध्यम से हो चुका है, अब इनमें किसी प्रकार की लौकिक भावना नहीं आ सकती। नद्य प्रविष्टा इव नावन उपे, जिस प्रकार ज्ञानी जन, मुनि जन, योगी जन एक जगह पर स्थित होकर अपने मन को, अपने समस्त इंद्रियों को मन में केंद्रित करते हुए मन को प्रभु के सनातन ज्योति में केंद्रित करते हुए स्थित होते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधि मग्न हो जाते हैं, एक प्रभु की एक तांता उनको रहती है, अन्य संसार के सब विषय वो समाधि में भूल जाते हैं। उस समाधि में उनको अपनी अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है, साथ ही ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान भी होता है एवं एक आनंद का अनुभव वे करते हैं। इसी प्रकार जैसे नदियां सागर में मिल जाती है, समस्त नदियां सागर में मिल जाती है, ऐसे ही इन गोपीजनों का जो बाहर का ध्यान है, बाहर का ज्ञान है, वह सब निकल चुका है। ये केवल मेरे में भी केंद्रित है, मेरे ही में केंद्रित है, अन्य किसी में केंद्रित नहीं है। जिस प्रकार नदियां सागर में मिलती हैं, उसी प्रकार इन गोपियों की सब प्रवृत्ति, जितनी भी क्रियाएं हैं, वे क्रियाएं लौकिक नहीं होकर प्रभुमय हैं, प्रभुमय बन गई हैं। इस प्रकार से इन गोपिकाओं के सर्वात्म भाव का वर्णन श्रीमद् भागवत के माध्यम से हुआ है। जिन गोपिकाओं ने अपना सर्वस्व प्रभु श्री नंदनंदन को मान लिया है, जो जीवन धारण इसलिए कर रही हैं ताकि प्रभु का सुख हो, जिनको सर्व आत्म भाव भगवत भाव सिद्ध हो चुका है,
भगवान के लिए भोग का और सुख का जिनने त्याग कर दिया है, लौकिक विषय कि जिसमें किसी भी प्रकार की उद्बोधन नहीं हो सकता, लौकिक वैदिक जिनने त्याग कर दिया है, इस प्रकार की ये गोपीजनों का स्वरूप और उनके अलौकिक गान का हम आनंद ले रहे हैं। श्री वल्लभ ने हमारे यहां सेवा का मार्ग बतलाया है। जीव जन्म जन्मांतर से भगवत दास है, प्रभु की सेवा करना उसका परम कर्तव्य है, परंतु ये सेवा सा परम प्रेम रूपा, उस भक्ति का जो वर्णन आता है कि परम प्रेम रूपा भक्ति है, तो सेवा में भी उसी प्रकार का प्रेम स्नेह वात्सल्य माधुर्य भाव युक्त सेवा प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। ये सेवा का प्रकार तनुजा और वित्तजा के भेद से बतलाया गया है। जब ऐसा करते करते मन की इस प्रकार की वृत्ति हो जाती है कि अन्य सब विषय छूटने लग जाते हैं, प्रेम आसक्ति और व्यसन ये तीन दशाएं सेवा करते करते क्रमशः सिद्ध होने लग जाती हैं। हमारे अंदर अल्प बीज है, हम ठाकुर जी के सेवक हैं, इसलिए ये दास भाव का अल्प बीज हमारे अंदर विद्यमान है। इस बीज पर जब सींचा जाएगा तभी प्रेम आसक्ति और व्यसन की कृपा और उस माध्यम से उस सेवा की फल रूपता की सिद्धि संभव हो पाएगी। तो इस अलौकिक सेवा मार्ग का समुचित आनंद हम उठाएंगे। धौल पद के आनंद लेने के बाद तत्पश्चात श्लोक से प्रारंभ करेंगे। वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गानम मधुरम मधुरादिपते रखिलम मधुरम वदनम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुरादिपते रखिलम मधुरम वेणु मधुरो रेणु मधुर पानी मधुराधिपते रखिलम मधुरम
अनब जो क्यों ते कान जी ने चांदनी तेरा डाले अनब जो क्यों ते कान जी ने चांदनी तेरा धार आ सरवर जलते कान जी ने कोई तेरा दर अनब जो क्यों ते कान जी ने चांदनी तेरा धारे आबाद खिलो ते कान जी ने लहरी जगी तेरा धार आ पर्वत शिखर कान जी ने तेरी चढ़े तेरा धार आ छाया चरण ते कान जी ने पगली पड़े तेरा धार आ केश बुझा ते कान जी ने सखी पूरे तेरा धार आनब जो क्यों ते कान जी ने तेरा धारे आ दीप जले ते कान जी ने आरती तेरा धार आ दीप जले ते कान जी ने आरती तेरा धार आलोचन मा तो कान जी ने नजर जुए तेरा धार आलोचन माते कान जी ने चांदनी तेरा धार
सेवा मार्ग में, सेवा के विषय में हमारी चर्चा चल रही थी। सेवा मार्ग में सेवा का तात्पर्य चेतस्तत् प्रवणम सेवा, अर्थात जैसे मणियां बिखरी हुई हो, एक माला के रूप में उसको पिरो दिया जाता है, इसी प्रकार हमारे मन की जो समस्त वृत्तियां हैं, जो विचार हैं, सब कार्यों को यदि प्रभु के लिए समर्पित कर दिया जाए, तब जाकर वह सेवा मानसी का रूप लेती है। मानसी सा परामता, उसको परा सेवा बताया गया है, फल रूपा सेवा बताया गया है। ऐसी अवस्था जब सिद्ध हो जाती है, तब प्रेम आसक्ति और व्यसन दशा होने पर भगवत सानुभव होने लग जाता है, अनेक विध प्रभु की लीलाओं के दर्शन होते हैं। यह स्थिति सर्वोत्तम स्थिति बताई गई है, कृतार्थता इससे होती है। वेद सिद्धा स्वतंत्रा, ऐसे दो भक्ति के प्रकार बताए हैं। वेद सिद्धा भक्ति में महात्म ज्ञान की प्रमुखता है, महात्म ज्ञान के द्वारा सेवा की जाती है, वहां भी प्रेम है, परंतु इतना उत्कृष्ट प्रेम नहीं है। स्वतंत्रता भक्ति में जो स्वतंत्रता के रूप में, फल रूपा के रूप में बताई गई है, वहां सर्वात्म भाव है, प्रभु में परम प्रेम है और साक्षात सानुभव जता के प्रभु सेवा लेते हैं, यह सेवा फल रूप हो जाती है। तो इन गोपिकाओं की यह स्वतंत्रता भक्ति है, उस भक्ति के अंतर्गत प्रभु से संयोग वियोग दोनों प्रकार के रसों का वे आनंद ले रही हैं। संयोग में स्वरूप से आनंद प्राप्त होता है और विरह में भगवत गुणगान के माध्यम से जीवन टिक पाते हैं, प्राण रह पाते हैं। नहीं तो भगवत विरह में जो अंतिम अवस्था है, चरम अवस्था है, वह मृत्यु है, वह मृत्यु प्राप्त हो जाए। परंतु भगवत कथा का ये महात्म्य, लीला का ये महात्म्य इस माध्यम से बताया गया। कल पूर्व श्लोक में प्रभु के चरणारविंद के अलौकिक स्वरूप को हमने समझा है, उनके महात्म्य को हमने जाना है। यहां पर अग्रिम श्लोक में ऋषि रूपा अनन्य पूर्वा गोपिका निर्गुण है। जैसे पहले हमने देखा कि निर्गुण जो गोपिकाएं हैं, वे प्रभु के स्वरूप को वास्तविक रूप में जानकर उनका वर्णन करती हैं। उसमें कहीं न कहीं ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ जो भक्तों को प्रभु स्वरूप का ज्ञान होता है, जिस ज्ञान में शुष्कता नहीं है, सूखापन नहीं है, जिस ज्ञान में रसालता है, रसात्मकता है, प्रभु के सुख का विचार है, ऐसा ज्ञानी से भी श्रेष्ठ भक्तों का प्रभु के प्रति उनके स्वभाव का, स्वरूप का, उनकी लीलाओं का ज्ञान होता है। तो यहां पर भी निर्गुण भक्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोक का पाठ करके हम आरंभ करेंगे। मधुर या गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमुयति अधरसीदुना प्याययस्वनः।
ये गोपिकाएं पूर्व में जो गोपिकाओं ने प्रार्थना करी थी उससे कुछ विलक्षण आनंदात्मक प्रभु के अधरामृत को प्रार्थित कर रही हैं। पूर्व में हमने देखा कि गोपिकाओं ने प्रभु से विनती करी कि आप श्रीहस्त हमारे मस्तक पर पधरा कर उस प्रकार से हमको आनंद प्रदान करें। बज सखे से स्वरूप के माध्यम से हमको आनंद प्रदान करें। इसी प्रकार चरणारविंद हृदय पर पधराकर चरणारविंद के माध्यम से आनंद प्रदान करें। अब यहां गोपिकाएं विनती कर रही हैं कि हे प्रभु, आपके मुखारविंद के द्वारा हमारा आप उपकार करो। मुखारविंद के माध्यम से हमें अलौकिक स्वरूपानंद प्रदान करो। अब वो किस प्रकार संभव है इसको हम अब समझेंगे।